नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, यानी INM पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान बंधुओं को कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी, जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। और वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास वीडियो पहुंचे। तो आइए बात करते हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन किसान भाई कैसे करें। किसान भाइयों, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन आज प्रत्येक किसान यह अपेक्षा करता है कि उसकी खेती के संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त हो। यानी 60 के दशक से हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें एक दो खाद्य महत्वपूर्ण हैं जिनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बाकी पोषक तत्वों की जमीन में कमी होती जा रही है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर ठहर सा गया है। क्योंकि किसी भी फसल को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं: मैग्नीज, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व हैं। लेकिन हम इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस पोटास का ही करते हैं, बाकी तत्वों को जैसे हम भूल गए हैं, जिसकी कमी से हमें उत्तम उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। समेकित पोषक तत्व के तहत आप सभी पोषक तत्वों की अपनी फसल में डालेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए सभी पोषक तत्वों को डालने को मिलाकर बनाई गई समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली है। क्यों आवश्यक है किसान भाइयों के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली? उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता में निरंतरता बनाए रखने के लिए, उत्पादन को लाभदायक बनाए रखने के लिए। समेकित पोषक तत्व वातावरण को बचाए रखने के लिए भी सहायक है, यानी वातावरण पर कम दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। नंबर 5, रोगों या कुपोषण से बचाव के लिए। इसमें किसान भाइयों जैविक, रासायनिक और सभी खाते होती हैं, जो कि संतुलित मात्रा में दी जाती हैं। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है? समेकित पोषक तत्व के सभी स्रोत यानी रासायनिक, उर्वरक, जैविक, जीवाणु खाद का संतुलित, समुचित तथा समय अनुकूल प्रयोग सब्जियों, फूल, फल और औषधीय फसलों में उच्च उत्पादकता नियंत्रण पाने और प्रबंधन तकनीक, जिससे मिट्टी और पर्यावरण को हानि न पहुंचे, उससे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। कृषि में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लाभ क्या है किसान भाइयों? ये आपके लिए आवश्यक है कि हम इसको क्यों अपनाएं। नंबर 1, अधिकतम पैदावार प्राप्त करना और पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाना है। नंबर 2, विषैलापन और प्रतिक्रियाओं से बचाना। किसी एक तत्व की अधिकता भी विषैलापन पैदा करती है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, खाली हम 2-3 रासायनिक खादों पर जोर देते रहते हैं फसल के लिए। उसके बाद नंबर 3 है मिट्टी की उत्पादकता तथा स्वास्थ्य बनाए रखना, बहुत ही जरूरी है। गुणात्मक उत्पादन और वातावरण के विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीड़े मकोड़ों के प्रभाव को प्राकृतिक तौर पर कम करना और लाभ या लागत अनुपात में वृद्धि करना। यानी कि यदि आप नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे आपके फसल पर अनेक रोग और कीटों का प्रभाव होगा, इस पद्धति के अधीन वह भी कम करना होता है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव हैं किसान भाइयों के लिए, जो कि जिनको अपनाना आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और जैविक खादों का प्रयोग करें। नंबर 2, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग आप अवश्य करें। नंबर 3, धान व गेहूं के फसल चक्र में डेचे के हरी खाद का प्रयोग करके इन फसल चक्र में परिवर्तन भी करें। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर और कूड़ा करकट का प्रयोग, कंपोस्ट बनाई जाए उससे और उसको डाला जाए। नंबर 5, खेत में फसलाविष्ट जैविक पदार्थों की मिट्टी में मिला दिया जाए।
नंबर 4 विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक नाइट्रोजन सलेसी फास्फेट को घुलनशील वाले बैक्टीरियल अलगल एवं फंगल बायोफर्टिलाइजर का प्रयोग करें। कार्बनिक जीवांश और कार्बनिक अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी इसमें मुख्य। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं? ये भी बहुत ही मुख्य है। इसके घटक हैं, नंबर 1 उर्वरक जिनमें आता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एवं पोषक तत्व मैग्नीशियम सल्फर जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज बोरान क्लोरीन एवं अन्य। उसके बाद है जैविक खाद, यह भी घटक है, कंपोस्ट FYM केचुआ खाद हरी खादे फसलों के अवशिष्ट जानवरों के न खाने योग्य खली जैसे महुआ करंज नीम अरंडी अजोला और पौधों के अवशिष्ट आदि प्रमुख हैं। उसके बाद तीसरा घटक है जीवाणु खाद जिसमें आते हैं राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए नील हरी शैवाल एजोस्पाइरलिन एजेक्टोवेक्टर और फास्फोरस गोलक जीवाणु आदि हैं। उसके बाद है घटक कृषि उद्योग अवशिष्ट, इसमें है कृषि आधारित उद्योगों के अवशिष्ट गन्ने और कागज से निकला चूना अवशिष्ट प्रमुख है। उसके बाद घटक है खनन और औद्योगिक अवशेष चूना पत्थर डोलोमाइट वेसिक स्लेग जिप्सम और फास्फोजिप्सम पाइराइट्स आदि हैं। अब ये तो थे समेकित प्रबंधन के घटक। उसके बाद है किसान भाइयों फसलों में जैविक खाद और फसलों के अवशेषों का महत्व क्या है? समेकित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु जैविक खाद और फसलों के अवशेष फसलों के मुख्य द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। फसलों में इसका महत्व इस प्रकार है, जैसे समेकित पोषक तत्वों के भंडारीकरण में सहायक हैं, मिट्टी में जीवांश की मात्रा में वृद्धि करना है और मिट्टी में पोषक तत्वों के ह्रास को रोकना है। मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे जल धारण क्षमता ऑक्सीजन का आवागमन मिट्टी के भारीपन में कमी करना मिट्टी को गर्म रखना आदि सुधार में समेकित पोषक तत्व प्रणाली सहायक है। मिट्टी के रासायनिक गुणों के सुधार में समेकित पोषक सहायक हैं। नंबर 6 मिट्टी के जीवाणु जनित गुणों का विकास करना है। नंबर 7 समेकित पोषक तत्व प्रणाली द्वारा उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि करना भी है। अब किसान भाइयों जैविक खाद का उपयोग आप कैसे करें इस पद्धति के तहत, वो इस प्रकार है। नंबर 1 इनके साथ फसलों के अवशिष्ट रसोई घर के अवशिष्ट के साथ मिलाकर केचुआ खाद बनाकर इनको अधिक गुणकारी बनाएं। नंबर 2 समेकित पोषक तत्व के तहत रासायनिक खाद के साथ इसका उपयोग करें। नंबर 3 वैज्ञानिक विधि से इनका संरक्षण करें। नंबर 4 अधिक लाभ देने वाले फसलों में इनका उपयोग करें। इनका प्रयोग बायोगैस बनाकर आप कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों अलग अलग फसलों में मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य पोषक तत्व कौन कौन से आवश्यक हैं। फसल है फूलगोभी पत्ता गोभी ब्रोकोलाई और नाल काल आदि हैं। इसके लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं पोटासियम बोरान कैल्शियम आदि। उसके बाद है फसल प्याज और लहसुन, इसके लिए कौन कौन से हैं पोटासियम सल्फर मैग्नीशियम। और उसके बाद फसल है मूली गाजर बीट और टर्निप, इसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है पोटासियम सल्फर मैग्नीशियम आदि प्रमुख हैं। फसल चाइनीज पत्ता गोभी पालक और गंदारी साग, इसके लिए हैं नाइट्रोजन फास्फोरस। फसल मटर बीन वर्गीय फसलें हैं, उसके लिए हैं कैल्शियम फास्फोरस सल्फर। फसल तरबूज करेला ककड़ी कद्दू कोड़ा और जीगे और गोगरा आदि के लिए हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। फसल भिंडी, उसके लिए हैं पोटासियम फास्फोरस। फसल आलू ओल और शक्करगंध के लिए हैं पोटासियम मैग्नीशियम और सल्फर, ये प्रमुख हैं। ये आप जान लें, जैसे आपने आलू लगा रखा है तो उसके लिए आवश्यक हैं पोटासियम मैग्नीशियम और सल्फर, ये जरूरी हैं क्योंकि आप अकेले नाइट्रोजन से उसकी फूल पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसान भाइयों समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के तहत अम्लीय मिट्टी में चूने का उपयोग आप अवश्य करें। सभी फसलें उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टियों में अच्छी होती है, इसलिए समेकित पोषक तत्व प्रक्रिया के अनुसार 2 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति फसल उर्वरक के लिए पंक्तियों या पौधों के चारों ओर डालकर फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। फलदार वृक्षों को लगाने से पूर्व गड्ढे की मिट्टी को उदासीन करना चाहिए। चूने के रूप में चूना पत्थर का चूरा बाजारू चूना डोलोमाइट या फिर वेसिक स्लेग का प्रयोग किया जा सकता है। जिन फसलों में मैग्नीशियम की अधिक आवश्यकता पड़ती है वहां डोलोमाइट का उपयोग सर्वोत्तम रहेगा।
उसके बाद है जैविक खाद का प्रयोग। इस विधि के तहत आप जैविक खाद का प्रयोग इस प्रकार करें, सभी उद्यान वाली फसलों में जैविक खाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उद्यान वाली फसलों में यह आवश्यक है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी रहे, साथ ही साथ जड़ का फैलाव और हवा का आवागमन अवरुद्ध न हो। इसलिए सभी बागवानी फसलों में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद की समेकित पोषक तत्व प्रणाली के तहत अनुशंसा की जाती है। उसके बाद जीवाणु खाद का प्रयोग भी आवश्यक है। इस पद्धति के तहत जब इतने मात्रा में जैविक खाद और रासायनिक खादों का प्रयोग इन फसलों में किया जाता है, तो यह आवश्यक जान पड़ता है कि इनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाई जाए, ताकि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जा सके। राइजोबियम कल्चर का उपयोग सभी उद्यान फसलों में जड़ों में गांठें बनती हैं किया जाता है। जैक्टोबैक्टर और फास्फोरस गोलक कल्चर का उपयोग मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने तथा मिट्टी में विद्यमान उर्वरकों के रूप में डाले गए फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहायक होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के आधार पर विभिन्न फसलों तथा फसल चक्रों के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग देने की सलाह दी गई है। इसके लिए किसान भाई हमारी वेबसाइट पे आके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से फसल चक्र में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यह भूमि वाइज है, कौन सी भूमि आपके निचले क्षेत्र में आती है कि ऊपले में, वहां पे आप यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों समेकित पोषक हेतु उर्वरकों का प्रयोग, कि कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग आप कैसे करें। नंबर एक, नाइट्रोजन, अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता बढ़ाने वाले उर्वरक का प्रयोग आप न करें, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। एक बार में नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की पूरी मात्रा आप न डालें। नंबर तीन, आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बार आप इसका बुरकाव कर सकते हैं। उसके बाद है फास्फोरस, अधिक अवधि वाली फसलों और फसलों में उपलब्ध होने वाले राख फास्फेट का ही उपयोग आप करें। जल में विलयनशील उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट का उपयोग बीज बोने के लिए खोले गए नालियों में आप करें। नंबर तीन, दानेदार फास्फेट उर्वरक का प्रयोग ज्यादा कारगर रहता है। पोटास, पोटास के लिए पोटास उर्वरक का उपयोग आप अवश्य करें। रोग व्याधि से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है, पौधे के फसलों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। उसके बाद है गंधक, गंधक के ऊपरी मिट्टियों में गंधक की काफी कमी पाई गई है। तिलहनी और दलहनी पौधों में गंधक का विशेष महत्व है। दलहनी व तिलहनी फसलों में क्रमशः 20 से 30 और 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग आप कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात आती है समेकित पोषक हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग आप कैसे करें। अम्लीय मिट्टी में प्राय बोरान एवं मिलीबडिन की उपलब्धता पौधों के लिए कम है। इस प्रकार की मिट्टी में इनकी कमी को दूर करने के लिए 0.1 से 0 किलोग्राम अमोनियम या सोडियम का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाना चाहिए। बोरान की कमी को दूर करने के लिए 1.5 किलोग्राम बोरान प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बोरेक्स सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों में डालना चाहिए, या फिर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, वो भी संतुलित है। मिट्टी में उर्वरकता नियंत्रण बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत जैसे कि उर्वरक, जैविक खाद, जीवाणु खाद और अम्लीय मिट्टी के सुधार हेतु चुनने का समन्वित उपयोग एवं मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में प्रयोग से फसल का उत्पादन और उत्पादकता में निरंतरता बनाकर ही खाद्य उत्पादन एवं कुपोषण की समस्या से निदान पाया जा सकता है। तो ये तो थी किसान भाइयों समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की प्रणाली। अगर वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छे लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे। और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।